अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल चाल है? ये मेरे दोस्त के कफील का घर है, ये वाला, ये जो है, ठीक है। और ये जो साइड में देख लीजिए, छोटा सा रूम दिया हुआ है। और यहाँ पर हाउस ड्राइवर को ज़्यादातर ऐसे ही घर के साइड में रूम बना के देते हैं। तो चलिए अंदर मिलते हैं उससे जाके। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? सब खैरियत है? चलो अंदर बैठते हैं ज़रा, मैं दोस्तों को रूम दिखा दूँ आपका। तो यार ये है रूम, देख लो। ये देख, ये एसी लगा हुआ है, ये बेड है, ठीक है। और यहीं पर ये खाना वाना बनाता है, और पीछे वाशरूम है यहाँ पर। बस देख लो, ये छोटा सा रूम है, यही ज़िंदगी है हाउस ड्राइवर की यहाँ पर। तो चलिए कुछ सवाल करेंगे भाई से। और सब खैरियत है? ठीक ठाक हो? भाई इंडिया कहाँ से हो? इंडिया में यूपी में, मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से कंपनी रोक रहा हूँ। अच्छा, वो कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पे मेरा 5 साल हो गया। 5 साल हो गए, इसका मतलब कफील अच्छा है। कफील अच्छा है। अच्छा, चलिए आज तक 5 साल में मुझे एक बार सैलरी मांगना पड़ा है, बाकी टाइम टाइम से दे देता है। 5 साल में एक बार, यानी भूल गया था तो मांगना पड़ा था, नहीं तो अपने आप ला के दे देता है मेरा। अच्छा, इस मामले में तो सही है, बाकी एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं देता है, कंजूस वो तो कोई भी नहीं देता। कोई कोई है एक आध जो देते दे। मेरा कभी भी नहीं देता। अरे ऐसे ही भाई। चलो तो क्या टाइमिंग, ड्यूटी टाइमिंग क्या है? ड्यूटी टाइमिंग वो सुबह 6 बजे जगना है, 5 बजे तो जगता ही, और जाना है सुबह नाश्ता कुछ ला देना, उसके बाद मदरसा छोड़ देना है। बच्चों को? हाँ, ठीक है। बच्चे को मदरसा छोड़ देना है, उसे आना है। तो या तो सो जाओ, नहीं तो अगर ड्यूटी लगी तो कहीं जाओ, हमेशा ड्यूटी नहीं लगती है। बाई चांस कभी लग गई तो लग गई, नहीं तो 8 बजे से लगभग 12 बजे तक फ्री होते हो। फिर बाद में बच्चों को स्कूल से लाना, मदरसा बच्चों को लाना होता है। फिर बाई चांस शाम को ड्यूटी लगती है मतलब इतनी ड्यूटी नहीं है, अकेले बाद में कोई नहीं जाता है, अकेले ड्यूटी लगती है। मैं कुछ सामान लाना होगा, ला के दे देता हूँ, बस यही ड्यूटी है। वो छुट्टी? छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है ना? नहीं, ये हाउस ड्राइवर का ये मसला कि छुट्टी नहीं है, 100% छुट्टी नहीं है। मेरा थोड़ा सा मामला अलग से, मेरे को जो तुम्हें पता है जुम्मे की छुट्टी मिल जाती है। हाँ हाँ, आपको मिल जाती है? हाँ, मेरी छुट्टी जुम्मे की है। मुझे नहीं मिलती है, अगर कहीं मुझे जाना होता है जुम्मे को तो मैं बोल देता हूँ कभी से मैं जा रहा हूँ, तो बोलता है जाओ, कभी रोका नहीं है, नहीं मिल जाती है छुट्टी, कभी कभी बोल देता हूँ तब। तो छुट्टी 2 साल बाद जाते हो? हाँ, 2 साल। कितने हैं मतलब? 2 साल में 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, यही 3 महीने। टिकट वही देता है, रिटर्न की दोनों देता वो, और कुछ बोनस वगैरह पैसे देता? बोनस वो आने के बाद 1500 दिया था, इस बार के जाने के बाद, आने के बाद ही 1500 दिया था, जाने के वक्त नहीं देता है, बोलता है कि आने के बाद मिलेगा। अच्छा, जाने के बाद कुछ नहीं देता। सही, वो असल में इनको भरोसा कम ही होता ना कि वापस आएगा नहीं आएगा, नहीं। इसलिए वो लालच दे देते हैं कि भाई बोनस मिलेगा, वापस आ जाए, आएंगे ये वापस। चलो, तो जो लोग इंडिया पाकिस्तान से हाउस ड्राइवर पर नए आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम, कुछ बताओगे? यही पैगाम है भाई साहब, आप लोग आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कोई ख़राब होता है, सभी ख़राब नहीं है। और आने के बाद यहाँ सैलरी 1500 ही मिलेगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में 1500 ही मिलेगा, फिर आस्ते आस्ते बढ़ेगी, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाएंगे, अब उनकी मर्जी है। मैं तो बोल रहा हूँ अभी बढ़ाने के लिए, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अभी है कितनी सैलरी? आए हुए इस बार आए हुए 6 महीना हो गया ना छुट्टी से। अच्छा, बोल रहा हूँ उसी समय से बोल रहा है। सैलरी कितनी है? सैलरी 1700 है। 1700 है अभी। खाना उसी में तुम खाते हो? हाँ, खाना उसी बस में। रूम ही ये दिया होगा ना? दिया हुआ। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। यार मैं आ गया हूँ दोस्त के पास, और दूसरा जो रूम मैं आपको दिखाना है, ठीक है। और ये सामने उसका रूम है जिसके कफील का घर है, और वो गाड़ी वो चलाता है, और ये गाड़ी मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं, उससे बातचीत करेंगे, और आपको इसका रूम दिखाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कमल भाई? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? आप बताइए। ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। मैं पहले रूम दिखा लूँ दोस्तों को, फिर आपसे बात करते हैं। ओके जी।
यार ये है बेड इसका, ठीक है, और ये सामने दराज पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारा किचन है। ये देखिए यहाँ पे बर्तन बर्तन धोने, और ये किचन का सामान है, यहाँ पे यही खाना बनता है। क्यों कमल भाई, ये रूम है मेरे दोस्त का, और ये उससे बड़ा है। यहाँ ऊपर ये दिखा दूँ मैं आपको, ये एसी लगा हुआ है, ये फ्रिज दिया हुआ है, और साथ में ये वाशरूम है। वाशरूम भी दिखा देता हूँ, वाशरूम है, ये भी साफ सुथरा है। और काम में बल्कि हाल चाल है, ठीक ठाक हो बस। तो आप बड़े बुजुर्गों की दुआएं चल रही है। अच्छा यार, इतना बुढ़ा तो नहीं हुआ मैं, बड़े हो ना। अच्छा, और सब कह रहे कैसा काम वाम सही चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कुछ सवाल करने हैं आपसे यार, कुछ दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि कितने साल से कर रहे हो काम? ये तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, तो सैलरी कितनी है? सैलरी 2000 रुपये। तो जब स्टार्टिंग में आए थे तब कितनी थी? अभी जब स्टार्टिंग में आए थे तो भी 1400 रुपये थी। 1400। तो नया बंदा जो आता है 1400-1500 उतनी होती है सैलरी? नहीं, सही है। तो हाँ, अभी 2000 है। आपको मेरे दोस्तों को मैंने एक रूम दिखाया पहले, ठीक है, वो काफी छोटा है। ये समझ लो एक बेड ही जो आता है उसमें, वो सेम लाइक कवर ही है वो। तो मैं ये रूम इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों को, ताकि परेशान हो जाए वो पहले वाला रूम देख के, कि वो सारे रूम वैसे नहीं होते, ऐसे भी होते हैं रूम। मेरा भी रूम है, आपने कमरे पर देखा ही हुआ है, इससे बड़ा है वो, मैं अकेले रहता हूँ। मैं उसका भी किसी दिन विजिट करा दूँगा अपने दोस्तों को। तो जो नए लोग ड्राइवर सऊदी में आना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे आप, इंडिया से पाकिस्तान से? उनसे तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर कोशिश यही रहे कि अपना देश न छोड़े तो अच्छी बात है। मेरे को परदेश तो परदेश ही है, परदेश तो परदेश होता है। अब हम लोग आ गए हैं तो फिर अब कमा रहे हैं, और ये भी ना सोचना कि तुम लोगों को आने से मना कर रहे हैं, बस ये समझ बूझ के आओ यहाँ पे अच्छे से, कोई अपना साथी हो तो उसके साथ में आओ, ज्यादा अच्छी बात है, अकेले के लिए आने को ना सोचो। बिल्कुल। तो कामिल भाई, ड्यूटी का क्या हिसाब किताब है? ड्यूटी का हिसाब किताब ये है कि मैं पहले जब आया था वहाँ से अब तक की 4 साल मैंने ड्यूटी बहुत अच्छी की है। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती थी, अभी मेरा तनाजुल हुआ, मेरा कफील बदल गया, दूसरा है। पिछले हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी ज्यादा रहती है, बाकी हफ्ते में कम रहती है। सिर्फ एक ही मैडम है मेरी, मगर वो भी लंबे से घूमती है, लोकल में नहीं घूमती। हाँ। और मैंने दोस्तों यही बताया कि यहाँ पर जो हाउस ड्राइवर की ड्यूटी दो किस्म की है, यहाँ तो एक बच्चे होते हैं साथ में। अब ये समझ लो कि दम्माम से रियाद 400 किलोमीटर का टूर है, वो मुझे करना पड़ रहा है बस। इतनी लंबी ड्यूटी है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। वैसे सबकी ऐसी लंबी ड्यूटी होती नहीं है वैसे। छुट्टी कब जाओगे? छुट्टी जाने का इरादा तो 1 साल का अभी तो एग्रीमेंट हुआ है, इंशाल्लाह अगले साल रमजान तक निकलेंगे। तो क्या बोनस टिकट वगैरह देंगे आपको? एक टिकट ये देगी, एक टिकट मेरा पुराना कबीर देगा। अच्छा, इसके पास 1 साल होगा, 1 साल उसके पास की। और सैलरी बोनस जो मिलती है? हाँ, वो भी उधर से मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, दोनों तरफ से ना। हाँ। सही है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर की लाइफ कैसी है, वो कैसे रहते हैं। एक रूम आपने देखा पहले, और अब ये रूम आप देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दो रूम दिखाए, ताकि आप पहला वाला रूम देख के परेशान हो जाओगे, यार इतना छोटा सा रूम दे दिया, तो बहुत से लोग देख के परेशान हो जाएंगे। क्यों कामिल भाई? हाँ भाई, ये बात तो है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे प्यारे बड़े भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, आप लोगों से निवेदन है। चले भाई, दुआ में याद रखिएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।